टुडे वी हैव अनदर टॉपिक विच इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? पार्टनरशिप आपको पता है पूरा प्रोसेस के दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिल जाएं और वो एक बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं और जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना हो तो वो होता है पार्टनरशिप। तो अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। आपको पता है इनकम स्टेटमेंट तो बिल्कुल सेम बनती है जैसे सोल ट्रेडर की बनती है, और सिर्फ नई चीज़ ये होती है कि इनकम स्टेटमेंट के बाद आप बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, फॉर्मेट्स वगैरह आप देख लीजिएगा। जहाँ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड होता है इनकम स्टेटमेंट का, वहीं से एप्रोप्रिएशन बनता है। एप्रोप्रिएशन में सिर्फ तीन चीज़ें आती हैं, एक आता है एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर आता है लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आता है लेस सैलरी। जो बच जाता है वो कहलाता है रेजिडुअल प्रॉफिट, और वो जो रेजिडुअल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो उसमें डिवाइड हो जाता है। अब बात करते हैं भाई एक एक करके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप। अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए नहीं होता कि डिसएग्रीमेंट अगर है तो उसको अवॉइड किया जा सके। और उसके बाद क्या कहता है, टू कैलकुलेट रेजिडुअल प्रॉफिट फॉर डिविजन बिटवीन पार्टनर। ये बात सही है, जो रेजिडुअल प्रॉफिट है वो निकालने के लिए बनाया जाता है। टू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं निकलता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी गिवन होता है जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। सही है ना, एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। और क्या, टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सैलरी, सैलरी किसको कितनी देनी है ये भी कहाँ होता है, ये भी एग्रीमेंट में लिखा होता है अप्रोप्रिएशन में।